बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक स्टडीज़ ISL 202 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बड़ी मेहनत से 3 से 4 स्टूडेंट्स के 20 से 25 क्वेश्चन जो है ना उनसे ले कर फिर उनको सॉल्व करके शेयर किया है। तो अगर ये वीडियो आप डिटेल से देख लेते हैं और इसको याद कर लेते हैं तो आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो जाते हैं। तो इस तरह की वीडियो आपको किसी भी चैनल के ऊपर अवेलेबल नहीं मिलेगी। तो आपने इस यूनिक वीडियो से अपना ज़रूर फ़ायदा करना है, क्योंकि जो हमारे चैनल के ऊपर जो भी अपडेट्स आ रही होती हैं वो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअल में हेल्पफुल होती हैं वो चीज़ें होती हैं। इसी तरह मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह आप 2 दिन के अंदर जो है ना किस तरह से अपने पेपर्स की तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल टिप्स बताई गई हैं, आप उस वीडियो को देख लें कि किस तरह से आपने 2 दिन के अंदर अपना जो पेपर है उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलें इससे स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें आप देख लें कि पेपर पैटर्न क्या था। सबसे पहले पेपर पैटर्न MCQs आपके 40 होंगे। ठीक है, 40 में से आपके 33 जो है ना वो काउंट होंगे, और बाकी अगर आप 40 करके आ जाते हैं तो आपके 7 रॉन्ग होते हैं, फिर भी आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपने छोड़ के नहीं आने, 40 के 40 MCQs करने हैं। उसके बाद आपके 3 मार्क्स के जो हैं 6 क्वेश्चन हैं, 4 आपने करने हैं, 2 के ऑप्शन हैं, और 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हैं, 3 में से 3 करने हैं, और इसके टोटल मार्क्स 30 हैं, और 90 मिनट्स टाइम है, और जिसका 1.5 आवर्स बनते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और शॉर्ट लेक्चर्स, इसके क्विजेज, असाइनमेंट्स, GDBs के सलूशन भी हम शेयर करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा इस वीडियो को भी लाइक कर लें, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। और इसमें फिर मैं आपको एक एक चीज़ तो ब्रीफ़ नहीं कर सकता, मैं मतलब कि इस तरह ब्रीफ़ करने लगूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं जो है ना वीडियो को आपने ऐसा ऐसा रजिस्टर आप रीडिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ना इसको चलाता जाता हूँ। तो आपने इस वीडियो को डिटेल में पढ़ लेना है, देख लेना है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।